या एपी में क्या दिया है? 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? ये रीजन बताना है। तो पहले हम चेक करें कि ये जो सीरीज दी गई है वो एपी में है कि नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम डी सर्व अंतर निकालें। सर्व अंतर डी इक्वल टू क्या होगा? 8 - 11 इक्वल टू -3, फिर 5 - 8 - 3, 2 - 5 इक्वल टू -3। देखिए डी सब इक्वल है। आई बस समझ में आता है किस में है? आता दी गई श्रेणी एपी में है, ठीक है। तो पहला पद क्या है? पहला पद देखिए, पहला पद ए इक्वल टू क्या लिखा है? 11 लिखा है, और एन इक्वल टू लास्ट में एन इक्वल टू क्या होगा? 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो एपी का यनवा पद क्या लिखते? एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन की वैल्यू -150 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना दिया? 11 दिया है, प्लस एन -1, और डी की वैल्यू क्या है? -3 है। तो ये हुआ 11 -3n और +3 हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए ये कितना होगा, इसमें -3n हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? +3 हो गया। तो ये टोटल इसको ऐड कर लें तो कितना लिखेंगे? 11 और ये 3 हो गया 14 -3n, यहाँ क्या होगा? -150। अब सबको इधर पक्षांतर कर दें, -150 - 14 इक्वल टू -3n। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 164 -3n। ये देखिए प्लस हो गया, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया, एन इक्वल टू होगा 164/3। इसको कैंसिल करें तो देखो कटने वाला नहीं है, ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 14 होगा। आई बात समझ में? तो ये कट नहीं रहा है, जब कटेगा नहीं तो यन का मान हमेशा क्या आना चाहिए? वो धन पूर्णांक आना चाहिए। यन का मान धन क्या आना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। आज जब धन पूर्णांक नहीं है तो लिखेंगे अतः -150 टी एपी का कोई पद नहीं है। आई बात समझ में? इसका कोई पद नहीं है क्योंकि यन का मान क्या है? यन तो उसमें कितने नंबर होते हैं वो चीज़ हमको दिखाना है। तो यन जो है कटने वाला नहीं होगा, तो ये मान नहीं होगा इसका। देखिए यहाँ लिखा धन पूर्णांक हमेशा होना चाहिए। आई बात समझ में? कट नहीं रहा है इसलिए क्या लिख देंगे? ये -150 इसका कोई पद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है? उस एपी का एक तिसहवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? एक तिसहवां पद ज्ञात करना है। कंडीशन क्या दिया है? जिसका 11वां पद 38 है और
सोलहवा पद 73 है। आई बात समझ में? इसमें देखिए क्या, 11वां पद दिया हो, 16वां पद पूछ रहा है, दिया हुआ है, लेकिन पूछ क्या रहा है, 31वां पद क्या होगा। सॉल्व देखिए, देखिए लिखेंगे माना की श्रेणी का पहला पद क्या है, पहला पद ए तथा सर्वानुपात डी है, इसलिए एपी का 11वां पद क्या होगा, ए 11 इक्वल टू 11वां पद ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए प्लस 10D, इसका मान कितना दिया है, देखिए 11वां पद 38 है, ले देंगे 38। इम्प्लाइज दैट एक इक्वेशन बना लें, ए प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या लिखेंगे इसी प्रकार ए पी का कौन सा पद दिया है, फिर देखिए 16वां पद दिया है, तो 16वां पद क्या होगा, ए 16 इक्वल टू ए प्लस 15D, ठीक है। 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73 इक्वल टू ए प्लस 15D, इम्प्लाइज दैट एक समीकरण बना लें, ए प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर दो। अब क्या करें, देखिए इसमें हमको ए और डी की वैल्यू निकालना है। ए और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या देखिए 2 माइनस 1, दो में से एक घटा दीजिए, दो क्या है, ए प्लस 15D इक्वल टू 73, ए प्लस 10D इक्वल टू 38। चलिए माइनस करिए, साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो गया, दोनों कैंसिल, ए माइनस, तो 15D में से 10D घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5D इक्वल टू, यहाँ देखिए ये होगा 13 में से हम कितना घटा दें, 13 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, फिर इधर कितना होगा, ये होगा 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, ठीक। अब यहाँ देख ले, तो ये देखिए ये कितना बचेगा, यहाँ डी होगा 35 बचा ना, तो ये कैंसिल कर देंगे, 7 होगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू 7 आई, डी इक्वल टू 7। अब देखिए डी की वैल्यू 7 है, अब हम किस में रख दें, डी की वैल्यू किसी में रख देते हैं, किस में हम रख दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं या सेकंड में रख दें, डी इक्वल टू 7 समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, चलिए एक यही है तो क्या होगा, ए प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, ए इक्वल टू 38 माइनस 70, अब 70 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ है 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा माइनस 32। आई बात समझ में, तो ए की वैल्यू कितना हो गई, ए की वैल्यू हो गई माइनस 32, ए की वैल्यू 32 और डी की वैल्यू यहाँ क्या निकाला गया, यहाँ वो 7 होगा, ठीक। तो कौन सा पद पूछ रहा है, तो देखिए आगे आता ए पी का कौन सा पद पूछ रहा है, ए पी का 31वां पद पूछ रहा है, 31वां पद,
a31 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 30 डी, सबका मान रख दीजिए। a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7 आई है, डी की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो ये हुआ -32 प्लस 7 × 21 210 होगा। आई बात समझ में, 32 210 होगा। तो ये देखिए, 0 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ क्या बचा, 0 बचा, इससे फिर ये कहाँ से लेंगे, तो यहाँ हुआ 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 होगा। और यहाँ क्या बचा है, 2, एक तो कैरी कर लिया, एक होगा, तो कौन होगा। अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 31 इक्वल टू कितना होगा, 178 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कितना दिया है, 12 है, और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में क्या दिया है, श्रेणी में कुल पद कितने हैं, 50 पद हैं, तो n बराबर 50 हो गया। तीसरा पद क्या दिया है, तीसरा पद है 12 दिया है, अंतिम पद 106 दिया है, इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो मान लें कि समांतर श्रेणी का पहला पद, माना कि AP का पहला पद इक्वल टू A तथा सर्वांतर इक्वल टू D है, ठीक है। तो कौन सा पद यहाँ दे रहा है, तीसरा पद A3 इक्वल टू A प्लस 2D, n माइनस 1 होता है, ये कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 इक्वल टू ए प्लस 2D इम्प्लाइज दैट ए प्लस 2D इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। इतना चीज पता हो गया। और ये देखिए अंतिम पद कितने पद हैं, 50 पद हैं, तो A50 इक्वल टू कितना, 106 दिया हुआ है। आई बस समझ में, तो ये देखिए इसको हम क्या मान लें, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, और सेकंड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये 50 50 है तो 106 इक्वल टू ए प्लस कितना, ये 50 है तो 49D हो गया, इम्प्लाइज दैट क्या लिखेंगे, ए प्लस 49D इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए सेकेंड में से हम क्या घटा दें, हम पहले को माइनस कर देते हैं, तो हो गया सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड कितना है, ए प्लस 49D इक्वल टू 106, और देखिए पहला क्या है, ए प्लस 2D इक्वल टू 12 हो गया। चलिए माइनस करिए, माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 1 प्लस माइनस कैंसिल,
इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 4070 इक्वल टू, अब इसको माइनस करें, ये देखिए 6 में से 2 गया 4 और इसमें ये हो गया, यहाँ होगा 9, 10 में से घटाएंगे 9 तो डी इक्वल टू 94/47, ये कैंसिल हो गया 2 हो गया, डी इक्वल टू 2, डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब डी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो ये का मान निकल जाएगा डी इक्वल टू 2, समीकरण 1 में रखने पर देखिए ये क्या है, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई और d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा पद पूछ रहा है, इसका 29वां पद, अतः AP का 29वां पद क्या लिखेंगे, A29 इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो A प्लस 28D। अब A की वैल्यू और D की वैल्यू इसमें रख दें, A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2 आया, ठीक है तो हो गया ये 8 प्लस 28 दूना कितना होता है 56 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर दें तो 64 हो गया। आई बात समझ में, तो A 29 इक्वल टू 64, ठीक, ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। इसी तरह से आप क्वेश्चन करें और बाकी जो है अब नेक्स्ट डे बताया जाएगा, अब मैं भेज दे रहा हूँ तो आगे जो है जो भेजना है हमको हम क्वेश्चन भेज दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करें, जो चीज़ दिक्कत में आए उसको तुरंत पूछें, नहीं बाकी जो है इसके आगे मैं कल बताऊँगा, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर शुरुआत से जो चैप्टर पीछे छोड़े हुए हैं उसको हम पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।